आजकल बॉलीवुड और मराठी का जो एक बीच में जो गैप था वो इतनी अब थिन हो गई है कि द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द लैंग्वेज, बाकी कुछ रहा नहीं है. सो देयर आर प्रोड्यूसर्स कमिंग इन, देयर एक्टर्स कमिंग इन, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ ग्रेट फेस ऑफ मराठी फिल्म्स. ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा श्रावणी ताई को, एंड आई एम श्योर यू नो ये फिल्म द फैक्ट कि उनका नाम जुड़ा हुआ है अच्छी होगी और ये बॉक्स ऑफिस पे भी धुआंधार बिजनेस करेगी, इसके बारे में कोई शक नहीं है. It's really young, full of energy, modern. तो एक बाप को इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि अपने बेटे का म्यूज़िक लॉन्च के लिए आए और एक सिंगर के हैसियत से गाने का चांस मिले. आई विश दिस टीम ऑफ साटा लोटा ऑल द वेरी बेस्ट. आज साटा लोटा ये हमारे फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च है और आप जैसे देख रहे हैं कि तीन मैड पीपल यहाँ पे है और इन तीनों में मैं क्या कर रही हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं, वो फिल्म में भी इसने क्या किया है इसको मालूम नहीं है क्योंकि ये बस काम कर रही थी, इसने कुछ कैरेक्टर वैरेक्टर नहीं पकड़ा था, ये वैसी ही है जैसा इसका फिल्म में कैरेक्टर है. नहीं, ये एक बहुत गंदा मराठी बोलने वाली लड़की है. एक्ट्रेस दूसरी एक्ट्रेस के बारे में रूमर्स फैला रही है तो इस पे रूमर्स यू गो एंड वॉच यार. नो आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट लाइक दैट, व्हाट आर यू टॉकिंग. हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है. एक कैट फाइट और हाँ कैट फाइट चलते रहते हैं सेट पे, लेकिन बहुत एक धमाल एक एंटरटेनिंग फिल्म है. श्रावणी देवधर इस फिल्म की डायरेक्टर है. श्रावणी देवधर इज़ अ वेरी रेप्यूटेड डायरेक्टर, उन्होंने नेशनल अवार्ड जीते हैं और हमारे फिल्म के का म्यूज़िक आई थिंक बहुत उंदा. तो मैं भी ये तो चलता ही रहता है, मतलब ये तो मतलब जितने फंबल आदिनाथ ने इस फिल्म में किए उसने पूरे अपनी जिंदगी में नहीं किए, नहीं किए क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए मराठी बोलना, हिंदी अच्छा बोलना. म्यूजिक किया है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, उनका नाम है सिद्धार्थ सौमिल और इनकी उनकी पहचान मतलब सिद्धार्थ महादेवन जो शंकर महादेवन के सुपुत्र है और सौमिल श्रृंगारपुरे, और इन दोनों ने मिलकर बहुत आउटस्टैंडिंग म्यूजिक किया है इस फिल्म का. एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के बारे में मतलब क्या बोले, तारीफ क्यों करें. आप देख लो थिएटर में जाके हमारी फिल्म देख लो और आप ही हमें बताइए कि हम लोग ने कितनी अच्छी काम की. मैं कहना चाहता हूँ कि अभी क्या होता है कि बहुत सारे सीरियस फिल्म जाते हैं, हम जाके देखते हैं तो रोते हैं, सीरियसनेस आता है और सोशल मैसेज मिलता है. इस फिल्म में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, ये सोशल मैसेज दूर हो जाएगा, दर्द दूर हो जाएगा. दिमाग घर में रखिए, हमारे फिल्म देखने आई है, वॉलेट पैंट में रखिए, मजे कीजिए बस. दिमाग घर पे रखिए, वॉलेट पैंट में रखिए और सिर्फ हंसने के लिए थिएटर में. यस, क्योंकि साटा लोटा देखने मत भूलिए. साटा लोटा पंच सगला खोटा. थैंक यू थैंक यू. पहले सबसे पहले तो जानना चाहिए कि ट्रेलर कैसे लगा आपको? बहुत ही मजा आया. हमने फिल्म तो देखी हुई है बट देन व्हेन द ट्रेलर वाज कट वी वर इवन मोर इम्प्रेस्ड बिकॉज तभी रफ कट देखा था, डीआईएनई हुआ था एंड नाउ टू सी द ट्रेलर द वे इट इज ऑलरेडी यू कैन टेल कि व्हाट मैडनेस इज गोइंग टू हैपन, क्या पागलपंती होने वाली है इस फिल्म के दौरान. एंड मतलब फिल्म देखने के बाद हमने ट्रेलर देखी, लेकिन जब ट्रेलर देखी तो इवन दो वी हैव सीन द फिल्म ऐसा लगा कि अरे यार वापस देखनी चाहिए, थिएटर में देखना चाहिए. आई थिंक एक्सपीरियंस मतलब धमाल ही किया हमने स्टूडियो में, मतलब ऐसा लग रहा ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि रोज़ मस्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि गाने भी ऐसे हैं फिल्म के कि बहुत यंग है, बहुत मस्ती वाले गाने हैं. आई थिंक मस्ती वाले गाने बनाने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव फन योरसेल्फ. करेक्ट, व्हेन यू आर हैविंग फन आई थिंक जो प्रोडक्ट निकलता है वो ऑटोमेटिकली इट शोज एंड इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू आर फीलिंग. तो बहुत मजा आया विशाल दादलानी के साथ रिकॉर्ड करने में भी, बहुत अच्छा. पहली बार उनके साथ हमने रिकॉर्ड किया है, वी रियली थैंकफुल टू हिम फॉर डूइंग दिस फॉर अस. एंड हमारे लिए ब्लेसिंग है कि विशाल जी है या शंकर जी है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे लिए ये करना, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग के जैसे है. सो वी कंसिडर असल वेरी लकी कि इनके साथ काम करने का मौका मिला और हाँ जैसे मैंने कहा कि धमाल की है, आई एम श्योर लोगों को भी मज़ा आएगा. जस्ट ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हंसना है अगर और मस्ती करनी है, दो ढाई घंटे एंटरटेन होना है तो इट इज़ टोटल पैसा वसूल. जस्ट गेट टू द थिएटर एंड वॉच साटा लोटा. थिएटर में जाइए, म्यूजिक सुनिए, बहुत दिल खोल के हंसिए और लोगों को भी बोलो कि थिएटर में जाके देखिए.